हेलो स्टूडेंट्स, आलिन मन कोचिंग सिवरी नारायण में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे उन सभी युवाओं के लिए बहुत बड़ा न्यूज है, जिसमें एक ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से हमें पता चला है, जिसमें छत्तीसगढ़ के व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक और विज्ञान प्रयोगशाला को मिलाकर कुल मिलाकर 50,000 से भी अधिक पद छत्तीसगढ़ में अभी खाली है। इसकी जानकारी जो है अभी छत्तीसगढ़ के विधानसभा के जो अभी मानसून सत्र चल रहा है, जिस पर अभी बैठक चल रहे हैं, उसमें दिए गए जवाब में ये जानकारी प्राप्त हुआ है। तो चलिए इसके बारे में मैं बता दूं आप लोगों को और भी जानकारी। ये जो जानकारी है ये अभी 21 जुलाई 2023 का है, उसमें ये जानकारी प्राप्त हुई है। 21 जुलाई को जो विधानसभा सत्र चल रहा है उसी के तारांकित प्रश्न के जवाब में, मंत्रियों के द्वारा दिए गए जवाब में जो कितने पद खाली हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, इसकी जानकारी दी गई है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसके अन्य जानकारी भी बता दूँ आप लोगों को कि ये प्रश्न, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ के केवल बलौदाबाजार और रायपुर में कितने पद खाली हैं, और फिर पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, विधायक हैं श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी, इन्होंने प्रश्न पूछा था, क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायपुर एवं बलौदाबाजार भाटापारा में प्राथमिक शाला एवं उच्च प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पद कितने कितने हैं, जिलावार जानकारी प्रदान करें। विभाग द्वारा उक्त पदों की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है, पदों की पूर्ति कब तक कर ली जाएगी। ये प्रश्न जो है पूछा गया था विधानसभा सत्र में, ये जो मानसून सत्र चल रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी ने इस पर जवाब दिया था। इस जवाब में बताया था उन्होंने कि सहायक शिक्षक के स्वीकृत पद 4,229 है, जिसमें 3,310 पद कार्यरत हैं और इसमें 919 पद जो हैं अभी रिक्त हैं। कुल मिला के इसी प्रकार आप देखें तो शिक्षक में अभी 199 पद रिक्त हैं, और ये रायपुर के लिए है, ये जो चीज़ें हैं रायपुर के लिए ही, ये दोनों चीज़ें 919 पद रायपुर में रिक्त हैं और किसके हैं, सहायक शिक्षक के और शिक्षक के 199 पद। जबकि बलौदाबाजार भाटापारा में यहाँ आप देखेंगे सहायक शिक्षक के 387 पद रिक्त हैं और शिक्षकों के 1,045 पद रिक्त हैं बलौदाबाजार भाटापारा में। अब मैं आगे आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में कितने पद रिक्त हैं। तो इसके बाद ये जो बताया गया था, यहाँ पर दूसरा जवाब दिया इन्होंने कि पदोन्नति एवं सीधी भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और ये कितने समय सीमा में कंप्लीट हो जाएगा इसकी जानकारी दे पाना संभव नहीं है, ऐसा मंत्री ने जी ने जो जवाब दिया था। तो कब तक ये पूरा कर लेंगे ये सारे पदों पर, इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दिया था। चूँकि आप जानते हैं अभी शिक्षक भर्ती का कार्य जो है प्रक्रिया चल रहा है उससे संबंधित। इसके अतिरिक्त आखिरी में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ के जो 14,000 पोस्ट के बारे में चर्चा थी उसके बारे में क्या बात है, तो आगे हम देखते हैं। चलिए इसमें तो यहाँ पर जो था कुल मिला के, जो अगर हम पदों की बात करें तो अभी वर्तमान में व्याख्याता के स्वीकृत पद 45,124 है, जिसमें से 37,340 पद पर कार्य अभी कर रहे हैं, इतने लोग अभी काम कर रहे हैं व्याख्याता के पद पर, जबकि पूरे छत्तीसगढ़ में 7,784 पद खाली हैं व्याख्याता के। ठीक इसी प्रकार शिक्षक के 15,588 पोस्ट जो है अभी वेकेंट है, खाली है। सहायक शिक्षक और विज्ञान प्रयोगशाला को मिलाकर सबसे अधिक 34,075 पद, और कुल मिला के इतने को अगर हम देखें तो 50,000 से भी अधिक पद जो है छत्तीसगढ़ में खाली है, आप यहां देख रहे हैं। और ये जो आप लोगों को मैं जानकारी दे रहा हूं, ये सारे जानकारी जो है ऑफिशियल जानकारी है। लगभग 50,000 से भी अधिक पद हमारे छत्तीसगढ़ में इनके खाली हैं शिक्षा विभाग में। तो दोस्तों, इसकी भर्ती कब तक हो जाएगी इसकी कोई निश्चित जानकारी नहीं है। और एक बात और मैं बता दूं कि बार बार आप लोगों के कई जगह पर कमेंट आते रहे हैं कि सर 14,000 पदों की जो भर्ती और नए होने वाली है वो भर्ती कब होगी जो मैदानी इलाके के लिए। तो दोस्तों, इस पर अभी भी कहीं से कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया है, ना तो कहीं पर किसी सरकार से जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उन्होंने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया है कि अभी हम तुरंत 14,000 पद पर और मैदानी इलाकों के लिए भर्ती करेंगे, तो ऐसा कहीं जवाब नहीं है। अभी फिलहाल जो क्षेत्रीय सरगुजा क्षेत्र और सरगुजा संभाग
और बस्तर संभाग के लिए शिक्षक भर्ती लगभग 14,000 पदों पर निकली हुई थी। आप जानते हैं उसके रिजल्ट जारी हो चुके हैं और उसके जो भर्ती की प्रक्रिया है वो चल रही है। तो दोस्तों इसी प्रकार शिक्षक भर्ती से संबंधित जानकारी एवं छत्तीसगढ़ व्यापम एवं छत्तीसगढ़ PSC से संबंधित तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।